हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्क्रीन शॉट इन कंप्यूटर। आपको लगता है कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं कि जैसे मान लो मैंने अभी यूसी ब्राउज़र खोला है, तो मैं अभी कोटेशंस पढ़ रहा था तो मुझे लगा यार ये काफ़ी अच्छी कोटेशंस हैं तो मुझे चाहिए ये अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उस केस में आपके पास या तो ऑप्शन बचता है कि आप इसको डाउनलोड करो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या है कि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो आप स्क्रीन शॉट तो बेटर ऑप्शन है, बट कैसे लें? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टूल आता है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। ये आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है और इसकी मदद से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे? आप सिंपली सर्च बार में क्या करोगे कि स्निपिंग टूल के ऊपर स्निपिंग टूल लिखोगे और ये आ जाएगा आपके पास। स्निपिंग टूल के ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूछ रहा है कि कितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो ये मान लो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप देखोगे कि ये सारे का सारा मेरे पास अवेलेबल है। अब इसका फ़ायदा एक और ये है स्निपिंग टूल का कि मान लो आपके पास कोई वाइट पेज है, जैसे देखो यहाँ नीचे कुछ जगह रखी हुई है, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख भी सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है? आप किसी इंसान को उस स्क्रीन शॉट से समझा भी सकते हो। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई आप अगर साथ ही साथ किसी को पिक्चर भी दिखा रहे हो और साथ ही साथ उसको उसके ऊपर टिक भी कर रहे हो, जैसे मैं टिक भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ कुछ भी, और साथ ही साथ एक और भी इसमें एडिशनल चीज़ होती है कि इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो इसको। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़, और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आपको देखने को ये मिलेगी कि इसको आप जो इसकी अरेजर होती है रबर, उसको जहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करोगे तो वो सारे का सारा मटेरियल साफ़ कर देगी। जैसे ये हेलो है, मैं एक ही बार इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारे का सारा साफ़ हो गया। तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर पेंट कर रहे हैं तो उसमें हम जब इरेजर के साथ साफ़ कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सफाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये स्निपिंग टूल के बहुत ही बढ़िया फ़ायदे हैं। एक तो ये स्क्रीनशॉट आपको दे देगा, दूसरा आप इसके ऊपर इंडिविजुअली कुछ चीज़ें भी लिख सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो, लेक्चर भी दे सकते हो। तो उसके बाद आप सारा काम फिनिश करने के बाद आप इसको सेव कर देते हैं। जैसे ओ सॉरी, इसको मैंने सेव करना था, मैंने दोबारा से वो क्लिक कर दिया वहाँ पर। चलो कोई चक्कर नहीं, इसको मैं एक बार दोबारा से इसको आप सेव भी कर सकते हो। सेव कैसे करोगे? यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और सेव एज लिख दोगे। सेव एज के बाद यहाँ पर आप लिख दोगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, और इसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। अभी चलो हम देखते हैं क्या डेस्कटॉप के ऊपर आया नहीं। ये देखो, ये हमारा वो जो स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अभी अभी स्क्रीनशॉट हमने लिया है। तो ये था हमारे पास स्निपिंग टूल के फ़ायदे। और क्या होता है स्निपिंग टूल, ये मुझे लगता है आपको पूरे तरीके से पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो उससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो भी मैं अपडेटेड वीडियोस डालूंगा वो आपको दिखेंगी और आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ऐसे ही मैं नई नई वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और मेरे चैनल का नाम है अमेजिंग लर्निंग। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।